Good morning, friends. How are you all? I hope you all are fine. आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण पढ़ेंगे. क्रिया वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं. जो शब्द विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं. ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं. क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय, स्थान, तरीका तथा मात्रा से संबंधित विशेषताएं बताते हैं. यानी वे शब्द जिनमें क्रिया कब, कहां, कैसे और कितनी हो रही है यह बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं. जैसे आज मेरे ताऊजी आए थे. मेरे ताऊजी कब आएंगे? आज. आज क्या है? समय. ठीक है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? समय बताया गया है कि आज मेरे ताऊजी आएंगे. क्रिया विशेषण क्या हुआ? आज. ठीक है, दैट कौवा दिन भर इधर उधर उड़ता है. कौवा कहाँ उड़ता रहता है? इधर उधर. इधर उधर मतलब क्या है? स्थान. इधर उधर क्या है? स्थान. तो इसमें क्रिया विशेषण क्या आएगा? इधर उधर. मिले इसमें क्या बताया जा रहा है? इसके स्थान के बारे में बताया जा रहा है. इधर उधर कछुआ धीरे धीरे चलता है. कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे. क्या बताया जा रहा है? इसका तरीका या उसका ढंग. ठीक है, कि वह कैसे चलता है? वह धीरे धीरे चलता है. वह ऊंट बहुत पानी पीता है. ऊंट कितना पानी पीता है? यहाँ बहुत बहुत क्या है? मात्रा. ठीक है, क्या बताई जा रही है? मात्रा. दूध बहुत पानी पीता है. ठीक है, ये समय, स्थान, तरीका तथा मात्रा की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं. आई होप आप इसे अच्छे से